आज गुलबर्गा शहर में लोकायुक्त एसपी जॉन एंथोनी सर के डायरेक्शन पर डीडीएलआर यानी डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिस में तमाम डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है और सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर, कंप्यूटर डाटा, अटेंडेंस बुक, कैश रजिस्टर और दीगर सभी इंपॉर्टेंट डाटा सीज किया गया और स्पॉट पर पंचनामा कर इन्वेस्टिगेशन की गई है। 29 जुलाई को सीनियर सर्वेयर रेवंत सिद्धा मुलगी की शिकायत पर लोकायुक्त की जानिब से डीडीएलआर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शरण गौड़ा और असिस्टेंट प्रवीण यादव को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सीनियर सर्वेयर रेवंत सिद्धा मुलगी की यह शिकायत थी कि डीडीएलआर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शरण गौड़ा हमेशा छोटी छोटी गलतियों पर सस्पेंड करने की धमकी देते और फाइल्स को आगे ट्रांसफर करने, रिश्वत मांग, मेंटली टॉर्चर कर रहे थे और ब्रह्मपुर सर्वे नंबर 89/4 में मौजूद एक जमीन की फोड़ी करने के लिए 3.5 लाख रुपये रिश्वत मांगी जा रही थी। इस तरह खुलेआम रिश्वत मांगता देख सीनियर सर्वेयर रेवंत सिद्धा मुलगे ने लोकायुक्त एसपी जॉन एंथनी से शिकायत की थी और एसपी जॉन एंथनी की हिदायत पर डीडीएलआर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शरण गौड़ा और असिस्टेंट प्रवीण यादव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और इसी केस में आज लोकायुक्त इंस्पेक्टर राजशेखर, पुलिस ऑफिसर सिद्धाराम, अनिल बसवराज, एडीएलआर अशोक विष्णु के अलावा टेक्निकल डिवीजन ऑफिसर शिव कुमार पाटिल, सुपरवाइजर्स और दीगर स्टाफ टीम की मौजूदगी में डीडीएलआर ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन की गई है। आप और हम जानते हैं हर गवर्नमेंट ऑफिस में छोटे से बड़े काम के लिए रिश्वतखोरी आम खास हो गई है, पर लगातार लोकायुक्त एसपी जॉन एंथनी के जरिए रेड कर रिश्वतखोरों को गिरफ्तार कर एक्शन लेता देख अब रिश्वत मांगने वालों में खौफ पैदा हो रहा है। आपसे भी अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर किसी भी काम के लिए रिश्वत मांगता है तो आप लोकायुक्त ऑफिस को विजिट कर शिकायत कर सकते हैं। आपके सपोर्ट से रिश्वतखोरी को खत्म किया जा सकता है। कहीं भी कोई रिश्वतखोरी या इलीगल काम नजर आए तो इमीडिएट आप लोकायुक्तों को इन्फॉर्म करें।